देख सकते हैं इसका कलर भी एकदम बाजार वाली ग्रीन चिली सॉस जैसा आया है। देखिए कितना परफेक्ट कलर है, एकदम कंसिस्टेंसी भी बराबर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गंताराम्स किचन। आज मैं बनाऊंगी ग्रीन चिली सॉस। मैं एकदम बाजार जैसी ग्रीन चिली सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि मैंने ये कैसे बनाई है। तो ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम हरी मिर्च ली है और उनके उन्होंने इस तरह से काट लिया है, आप देख सकते। तो अच्छे से हरी मिर्च को धो लें और उससे काट लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया 2 इंच अदरक का टुकड़ा और उसे भी छिलकर काट लिया है। उसके बाद मैंने एक गैस पे कढ़ाई रख दी और उसमें अपनी हरी मिर्च डाल दी है, अदरक भी डाल दें और फिर इसमें डाल देंगे पानी और हरी मिर्चों को पका लें। और 10 मिनट लगेंगी और इतने टाइम में हमारी हरी मिर्च अच्छे से गल जाएंगी। तो मैं इन्हें इस तरह से पका लेती हूँ। अगर आप तो देखिए हमारी जो हरी मिर्च है वो अच्छे से पक गई हैं। 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको इन मिर्च को ऐसे पकाने में। तो अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद। अब मैं इसे होने दूंगी ठंडा। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीस लेंगे। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं लूँगी एक मिक्सिंग जार, जो मिर्च को मैंने उबाला था उसको इसमें डाल दूंगी। मिर्च हमारी एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। तो मिर्च और अदरक को मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। मैं यहाँ पे आधा कप विनेगर यूज़ कर रही हूँ। तो 300 ग्राम मिर्च के लिए मिले आधा कप विनेगर, इसे इसमें डाल दूंगी और इसे पीस लूँगी, इसे पेस्ट जैसा बना लूँगी। तो देखिए मैंने मिर्च को पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं लूँगी एक बाउल और एक स्ट्रेनर और जो मैंने ये लिया है इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसे स्ट्रेन करेंगे। तो देखिए ये वेस्ट हमारा ऊपर निकल आया है और यहाँ पे एकदम पल्प हमारा तैयार है। तो मैंने वही कढ़ाई रख दी है दोबारा। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें डाल दूंगी अपना जो मिर्च वाला पल्प मैंने तैयार किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच जितना नमक, चीज़ों कर देंगे मिक्स और इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे जिससे कि ये चीज़ें मिल जाएं। बस हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट ही मैं इसे पकाऊंगी। तो देखिए 2 मिनट हो गई हैं और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और हमारी जो सॉस है वो एकदम तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी एकदम बाजार वाली ग्रीन चिली सॉस जैसा आया है। देखिए कितना परफेक्ट कलर है, एकदम कंसिस्टेंसी भी बराबर है। तो हमारी ग्रीन चिली सॉस एकदम तैयार हो गई है। तो देखिए ग्रीन चिली सॉस हमारी एकदम तैयार है। आप इसे किसी भी बॉटल में भरकर 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।